नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्विच यार्ड के बारे में। स्विच यार्ड के बारे में कि क्या क्या स्विच यार्ड में लगा होता है, कहां पर कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है, कहां पर पूरा। तो स्विच यार्ड यानी A132 सप्लाई आती है हमारी, जो हमारा सब स्टेशन से आती है, जो MPB की सब स्टेशन कहलाता है, वहाँ से हमारी सप्लाई आती है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे सप्लाई आती है, कहाँ से आती है, किस प्रकार से आती है। पूरा एकदम जीरो से आपको हम दिखाएंगे, जीरो लेवल से दिखाएंगे कि सप्लाई किस प्रकार से आके हमारा किस प्रकार से ट्रांसफार्मर में जाती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार जाती है। 132 की सप्लाई आती है, 132 की सप्लाई कहाँ से आ रही है। देखिए हमारी ये हमारा टावर हो गया है, यहाँ से हमारी 132 KBA की सप्लाई आती है। पहले सप्लाई आके हमारी किस पे जाती है, हमारे ये PT लगा हुआ है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहलाता है PT। देखिए PT लगा हुआ है, PT के माध्यम से हमारी सप्लाई आती है और ये सप्लाई फिर आगे जाती है। PT देखिए लगा हुआ, फिर इसके बाद हमारा ये CT भी लगा हुआ है। PT के बाद CT, ये देखिए ये PT लगा हुआ है। देखिए ये हमारा हो गया CT, CT के बाद ये PT वाला हमारा CT, फिर हमारा होता है ये 132 सप्लाई आने के बाद हमारा PT के बाद CT के बाद हमारा इंसुलेटर, जो बोलते हैं ना इंसुलेटर, वही इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर के बाद हमारा होता है ये इंसुलेटर हमारे होते हैं। ये इंसुलेटर के बाद हमारा आता है लाइटिंग अरेस्टर, LA, क्या बोलते हैं इसे, लाइटिंग अरेस्टर LA बोलते हैं इसे। ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर कहलाता है। देखिए ये लाइटिंग अरेस्टर, ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर कहलाता है। देखिए जो आपको गोल गोल सा बना हुआ है ये स्टेयरिंग की जैसे, ये लाइटिंग अरेस्टर। इसका काम क्या रहता है कि किसी, यानी कि हमारी सप्लाई है, अगर जो बिजली गरजे या कि ओवर बिजली होते, इसको तरंग के द्वारा जो भी बिजली उत्पन्न होती है उसको परिवर्तित कर देता है ग्राउंड फ्लोर। ये कहलाता है हमारा लाइटिंग अरेस्टर। अब लाइटिंग अरेस्टर के बाद सप्लाई हमारी फिर से जाती है हमारा ये इंसुलेटर पर जाती है, इंसुलेटर या अर्थिंग पे, इंसुलेटर के माध्यम से। देखिए तीन फील्ड लगे हुए हैं, ये देखिए सप्लाई कट होती है। देखिए यहाँ से हमारी क्या होती है, MPB की सप्लाई को कट कर देते हैं। 132 की सप्लाई आती है डायरेक्टली, इसके बाद हम लोग सप्लाई को कट कर देते हैं। देखिए ये इंसुलेटर है ना, ग्रिड इंसुलेटर इसको बोला जाता है, ग्रिड की सप्लाई यहाँ पर कट कर दी जाती है। तो ग्रिड इंसुलेटर है ना, देखिए। अब ग्रिड इंसुलेटर के बाद हमारा ये आ जाता है, ये सेकेंडरी टर्मिनल है, सेकेंडरी टर्मिनल जो उसको बोलते हैं हम लोग CT बोलते हैं इसको, ये CT करंट ट्रांसफार्मर में। इसके बाद हमारा जाता है देखिए CT, ये देखिए किस प्रकार से लगा होता है CT। अब इसके बाद CT के आगे वाला हमारा जाता है ये ट्रांसफार्मर में आता है, जिसको SF6 सर्किट ब्रेकर। देखिए इसका इनपुट आ रहा है SF6 सर्किट ब्रेकर बोल जाता है इसे, SF6 सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में आपको पूरा रूबरू बताएंगे, अभी बताएंगे कि इसका नेम प्लेट में क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, कितने KVA का होता है, KVA का होता है, इसके KVA के बारे में कितने उसका, तो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये सीमेंस कंपनी का हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर है, जो इस प्रकार से लगा हुआ है। देखिए ये 2018 से ये ले, देखिए ये रेटेड वोल्टेज इसका 145 KVA है। हाँ रेटेड लाइटिंग ये इम्पीडेंस है ना, वोल्टेज इसका 650 KV पर है। ये देखिए वोल्टेज URS का 275 KV है। रेटेड फ्रीक्वेंसी हमारी 50 Hz है। रेटेड नॉर्मल करंट इसका 3150 एम्पियर हो गया है। रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकर करंट है इसका 40 KVA, मतलब किलो वाट एम्पियर है ना इसका। ये देखिए रेटेड शॉर्ट सर्किट ड्यूरेशन है इसका 3 सेकेंड का है। ये रेटेड आउटपुट ये हमारा 10 KVA, ये हमारा कहलाता है हमारा सीमेंस का SF सर्किट ब्रेकर। ये देखिए सर्किट ब्रेकर हो गया, ये हमारा सिंगल इंसुलेटर हो गया। ये हमारा सिंगल आइसोलेटर हो गया, ये हमारा देखिए सिंगल आइसोलेटर। देखिए अब हम लोग इसमें अर्थिंग के माध्यम, देखिए इसको जो भी परिवर्तित जो भी करंट होगा वो सीधे हमारे ज़मीन परिवर्तित हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इसमें अर्थिंग किया हुआ है, अर्थिंग स्विच। ये देखिए हमारा
ये आइसोलेटर हो गया, ये आइसोलेटर लगा हुआ है, इसमें 3 पिन आइसोलेटर लगा हुआ है। इसे देखिए, इसको भी हम लोग MPV सप्लाई कट करने के लिए 2-3 बार सप्लाई कट कर देते हैं। इस प्रकार सप्लाई को कट कर देते हैं। देखिए ये लगे हुए हैं, ये हमारा लगा हुआ है। अभी देखिए ट्रांसफार्मर SF6 सर्किट भी कहती है, वो तो हमारा हो गया, उसके ये लेयर ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन के लिए होता है। ट्रांसफार्मर नंबर 1 का SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, वो जो हम लोग दिखाए थे उसके बारे में, वो 132 kVA इन कमर का SF6 सर्किट ब्रेकर था। ये वाला हमारा हो गया SF6 सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ये इम्पीडेंस करता है, पूरा करता है। ये हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर। देखिए आपको RYB, आप लोग RYB कैसे पहचाने इसके बारे में देखते हैं। देखिए RYB को सिंपल सा पहचानने के लिए स्विच यार्ड पे हमारे जो हमारा PT लगा होता है, क्या PT और क्या लगा होता है, CT करंट ट्रांसफार्मर, PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उस है CT और PT के बीच में, मतलब उसके ऊपर जहाँ से सप्लाई हमारी गुजरती है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो रेड कलर का ऊपर से बना होता है। देखिए ये देखिए रेड कलर का बना हुआ ना, ये रेड कलर का हमारा पूरा पोता, मतलब पेंट टाइप का किया हुआ है, ये पेंट हुआ है, इसके कारण से हमारे पता चल जाता है कि हमारा R है, ये हमारा Y है, ये हमारा B है, ये हमारा B है, ये Y है, ये हमारा R है, ये हमारा कहलाता है CD करंट ट्रांसफार्मर, है ना। अब ये करंट ट्रांसफार्मर के बाद हमारा आ जाता है, अच्छा बताइए करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बता देते हैं। करंट ट्रांसफार्मर कितने का होता है, कितने में, इसका 100 एम्पियर इसका प्राइमरी करंट रहता है, और इसका सेकेंडरी करंट रहता है आउटपुट में 1 एम्पियर रहता है, इसका हमारा ये सिटी कहलाता है। ये अब देखिए आ गया लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर देखिए कैसे होता है। लाइटिंग अरेस्टर किसी भी एक ही ट्रांसफार्मर के प्रोडक्शन में लगा होता है, कुछ विद्युत धारा उत्पन्न होती है, गिरती है, तो ये सीधे हमारे ज़मीन पर परिवर्तित कर देती है, ये हमारे लाइटिंग अरेस्टर कहलाता है। अब ये लाइटिंग अरेस्टर देखिए आपको, हम लाइटिंग अरेस्टर में देखिए आप वो दिखाते हैं कि कितनी बार हमारी यहाँ पर बिजली पर, मतलब उधर ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 10 बार हमारा ये लाइटिंग अरेस्टर काम कर चुका है, 10 बार हमारी बिजली गिर चुकी है, आकाशीय बिजली, जिसको वो परिवर्तित कर दिया है। ये देखिए इसका मीटर है, ये तुरंत ट्रिप कर देता है DC, ये हमारा क्लब। अब आपको हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताते हैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर है NGFE का, NGFE कंपनी का ट्रांसफार्मर है, 16 MVA का ट्रांसफार्मर है हमारा, 16 MVA इसका डेटा आउटपुट है, 12 MVA। हम आपको इसके नेम प्लेट के बारे में ही बताएंगे कि किस प्रकार का नेम प्लेट हमारा होता है, किस प्रकार का क्या लगा होता है, पूरा इसकी जानकारी हम देंगे उसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में आपका। ये देखिए ये हमारा स्विच यार्ड 132 है, जहाँ से सप्लाई हमारी बनती है। देखिए ये अभी हमारा इसमें काम चल रहा है, इस कारण से अभी पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। ये 132 का हमारा ये स्विच यार्ड है, 132 kVA का स्विच यार्ड है। देखिए ये स्विच यार्ड है, आपको हम दिखाने जा रहे हैं अब ये ट्रांसफार्मर, 16 MVA ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में। देखिए नेम प्लेट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए ये 16 MVA का ट्रांसफार्मर है हमारा, ये लीटर KVA का, 16000 kVA इसमें लिखा है, 16 MVA ने हम लोग मेगावाट बोलते थे। तो इसका देखिए रेटेड इसका LV आपको देखिए 16000, आउटलेट में इसमें 12500। अब HV और LV हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में, इसका देखिए 1,32,000 इसमें दिया है, और इसमें 6600 वोल्ट लो वोल्ट में दिया है हमारा। ये इसका ट्रांसफार्मर का हमारा नेम प्लेट है। देखिए ट्रांसफार्मर के इसका NGFE का ट्रांसफार्मर ये भी है, 16 MVA का, 16000 kVA का। ये देखिए ये उसका पूरा कनेक्शन दिया हुआ है, ये देखिए ये वेक्टर डायग्राम है इसका, वेक्टर डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानकारी ले सकते हैं, जैसे ये 2N 2U 2B 2W, है ना, 1N 1U 1B 1W, इसको बोलते हैं ना, N2U2 V2W2 N1U1 V1 W1, ये इसका, ये देखिए
ये हमारा पूरा ये है। अब इसका इसमें देखिए ऑयल लेवल, ये देखिए टैंक के बारे में हमारा दिया, मास, ये मास दिया कितने किलो, बाइंडिंग का टेम्परेचर कितना होता, टोटल मास का 60.5 टन हो गया, ये इसका मास का 19.2 हो गया, इंसुलेशन ऑयल का कितना बजे हो गया, ऑयल का हमारा कितना होगा 90.2 हो गया, 9.2 टन हो गए, ट्रांसफार्मर मास होगा 29, इंसुलेशन ऑयल का हो गया 10.34 हो गया, इस प्रकार से हमारा इसका दिया है। अब देखिए इसका एल बी और एच बी में इसमें दिया रहता है कि वोल्टेज एम्पीटर से, देखिए आपको 16 MVA आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ये 16 MVA लिखा हुआ है ना, ये आपको ये पूरा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, एक हमारा 16 MVA का ट्रांसफार्मर, वो भी 16 MVA के, ये 35 MVA, ये ठीक है ना 35 MVA, ठीक है। ये देखिए हमारा स्विच यार्ड है 132 KVA का, आपको हम इसके बारे में जानकारी दिए हैं। देखिए ये हमारा 35 MVA का ट्रांसफार्मर, सेम टू सेम वही है, एक ही रहता है सब कुछ ट्रांसफार्मर में, कि लोड का डिफरेंस रहता है कितना क्या लोड रहता है, कितने मेगावाट कितना उसका, कितने MVA का, वही है और कुछ नहीं है आपका यही है। और हमारा अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, इससे और भी बेहतर हम लोग वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे, ओनली प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो बना के भेजेंगे, इंजीनियरिंग लेवल पे आपको ITI बेस जो भी होता है सब कुछ के बारे में इलेक्ट्रिकल संबंधी आपको हम वीडियो बना के बताएंगे कि क्या क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।